प्रदेश में भाजपा सरकार जब आई थी तो उन्होंने प्रदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को ये सबज बाग दिखाई थी कि शिक्षा की विसंगतियों को दूर कर उनका भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन आज भी भाजपा कार्यकाल में विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। आज विद्यार्थी कॉलेज की शिक्षा खत्म करने के नजदीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक उनके पहले व द्वितीय सेमेस्टर के रीअपेयर का रिजल्ट तक नहीं निकाला गया है, जिसकी वजह से उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा और वो आगे शिक्षा कैसे कर पाएंगे, यह प्रश्न उन्हें परेशान कर रहा है। इस बारे में विद्यार्थियों के परिजनों ने एक लिखित शिकायत कॉलेज के प्रधानाचार्य और विश्वविद्यालय को दी है। विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंतित दिखे परिजनों ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे कॉलेज में अपनी शिक्षा पूर्ण करने वाले हैं, लेकिन उनके पहले व द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। इस बारे में वह कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन विश्वविद्यालय पर और विश्वविद्यालय कॉलेज प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर कोई भी चिंतित नहीं दिख रहा है और उनका परिणाम कब निकलेगा इसका भी कोई जवाब नहीं दे रहा है, इसीलिए वह सभी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मैं प्रिंसिपल साहिबा से मिला था आज इस विषय को लेकर के कि जो बच्चों के रिजल्ट हैं पर्टिकुलरली रूसा के अंतर्गत जो हैं, जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में हो गए हैं उनके पहले और दूसरे सेमेस्टर के भी रिजल्ट्स अभी तक प्रॉपरली नहीं हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हर आदमी अपना विषय दूसरे पर टाल देता है। कॉलेज प्रशासन ने अपना सारा मुद्दा यूनिवर्सिटी पर टाल दिया है और यूनिवर्सिटी से जब बात की जाती है तो वो अपना कहते हैं कि आप कॉलेज के माध्यम से बात करें। लगभग मैंने उन्हें केवल बीएससी मेडिकल के ही 52 स्टूडेंट्स के मैंने एक सिग्नेचर लिस्ट उनको प्रोवाइड करवाई है। जो बच्चे लगभग अगले वर्ष इन दिनों अपना कॉलेज पास आउट कर जाएंगे, लेकिन उन्हें पहले व दूसरे सेमेस्टर के जो रीअपीयर के रिजल्ट्स हैं वो नहीं निकले हैं। अप्रॉक्सीमेटली कोई 3.5 लाख के आसपास के ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, हम उनके अगर इंटरनल असेसमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो कंसर्न टीचर उनको सॉल्व करता है। अगर वो उसमें फेल हैं तो उनकी दोबारा असाइनमेंट ली जाती है और उनको पास मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो एंड टर्म में एग्जाम में फेल हैं तो उनको एग्जाम दोबारा देना। हम ऊपर सीओई से भी कॉन्टेक्ट में रहते हैं और अगर नंबर अपलोड नहीं होते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि कैसे अपलोड होंगे ये, और यहाँ से पूरे हमने कमेटी बनाई हुई है वो नंबर अपलोड करती है। ये एक्चुअल में इसलिए नहीं भरे जाते कि जब टीचर रेगुलरली नंबर भरते हैं तो उनके रोल नंबर किसी वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनके नंबर रह जाते हैं कुछ बच्चों के। उसके लिए हम यूनिवर्सिटी से कॉन्टेक्ट करते हैं और जैसे ही वो रोल नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हैं उनके नंबर हम भरते हैं।